फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अतुल एजुकेशन। आज हम एक एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की बात कर रहे हैं जो कि महाराष्ट्र सेट का 27 दिसंबर को हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि क्या एक एक्सपेक्टेड आंसर की होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई भी करेक्शन लगता है, अगर आपको लगता है कि ये आंसर नहीं बल्कि कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो अपने आंसर को कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट सिंस द लास्ट डिकेट द हायर एजुकेशन सेक्टर हैज़ बीन ऑक्यूपाइंग अ डोमिनेंट पोजिशन इन इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिसी मेकर इन इंडिया आर टेकिंग स्टेप टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर टूवर्ड हायर एजुकेशन सेक्टर बिकॉज। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होना चाहिए। द एम एट इनेबलिंग इंडिया टू मैच अप टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। द एटीट्यूड ऑफ ऑथर टूवर्ड टीचर, टीचर का एटीट्यूड क्या है, एक ऑथर का एटीट्यूड क्या है टीचर्स के टूवर्ड में। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो डाउटफुल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर, द ऑथर सेज दैट टुडे अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ हाईली एडुकेटेड प्रोफेशनल इज स्टक इन वोलेटाइल अकेडमिक इकोसिस्टम बिकॉज। तो आज ऐसा क्यों है, टीचर्स कहाँ पे फंसे हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि देर इज अ लॉ लैक ऑफ फॉर्मल लॉ टू गवर्न द टर्म्स एंड कंडीशन। इसका जो आंसर होगा बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट वाइज दिया है देर इज अ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, और इसका जो स्टेटमेंट टू है देर इज अ ग्रोथ इन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मेरे हिसाब से जो आंसर होगा, हाँ एक यूनिवर्सिटी के नंबर में ग्रोथ तो हुआ है बट एम्प्लॉयमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। वाइल डिफाइनिंग कम्युनिकेशन मिलर फोकस, अगर मिलर के हिसाब से कम्युनिकेशन की बात करें तो मिलर जो ज़्यादा फोकस करते हैं वो फोकस है बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसीवर, जो भी रिसीवर है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वाइल टेकिंग द कम्युनिकेशन, तो मिलर इसके ऊपर फोकस करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो मेरे अकॉर्डिंग वो ए होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सीरियल फंक्शन ऑफ सेंडर इन कम्युनिकेशन साइकिल आर एज फॉलोज। तो एक फंक्शन क्या है, एक कम्युनिकेशन साइकिल क्या है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कलेक्शन। एक जो भी एक रिसीवर होता है डेटा को कलेक्ट करता है, फॉर्मुलेट करता है और अपने हिसाब से इनकोड करता है, बाद में एक अपना जजमेंट फॉर्मुलेट करता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर मैसेज रिसीवर। कि बोल रहा है कि अगर हम एक कोई सी कम्युनिकेशन चैनल की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है। तो पहले सेंडर आता है, मैसेज आता है, रिसीवर आता है और एक फीडबैक आता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। कौन बोल रहा है कि कौन सा एक कैसा कम्युनिकेशन है जो नंबर ऑफ पार्टीज की बात करता है। ठीक है, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन आर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, हेटरोजीनियस ऑडियंस एंड स्कैटर्ड ऑडियंस। ये इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक होगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें थोड़ा प्रैक्टिकल है या ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं हमें। ठीक है, अभी उसके बाद हम अगर हम देखें तो एक यहाँ पर अगेन एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा है। तो इसकी जो एक स्टूडेंट ने मुझे सॉल्व करके बताया था, इसका जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, एक्स एंड जेड। ठीक है, बट आप फिर भी अगर आपके कुछ व्यू है ये क्वेश्चन के ऊपर तो आप अपने वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम एक अगेन एक मैथ्स का एक सॉल्यूशन है जिसका एक मैथ्स अगर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप एक अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा बट इसका जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसका जो आंसर होगा दयानंद वाला, दयानंद प्लांटेड सुगर केन, इसका जो आंसर आना चाहिए वो 60 आना चाहिए। ठीक है, हम आगे बात कर लेते हैं। व्हाट सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, क्या बोल रहा है, 2 ईयर के लिए हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमें कंपाउंड अगर ये है तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम एक अमाउंट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, तो वो 4200 होना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको सॉल्व करना सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यही आंसर मिलने वाला है। इसके बाद का जो आंसर है एक बेसिकली एक टाइप का अरेंजमेंट आपको करना है, तो जहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर एक अरेंजमेंट करना है अल्फाबेटिकल का, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो
तो 18 का जो आंसर आना चाहिए वो इन्फ्रेंस आना चाहिए। एक आपको स्टेटमेंट बेस दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा जो क्वेश्चन पेपर सेट है वो ए है, हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर बी सी डी कुछ भी हो, तो आप अपने हिसाब से आपके क्वेश्चन को एडजस्ट मतलब देख के एक बार चेक करिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एक अगेन एक सिलॉजिज्म टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग वो भी आना चाहिए। आप एक बार फिर भी से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन नंबर 20, उसका जो आंसर आएगा ओनली वन आएगा। हालांकि जो मैंने एग्जाम में खुद जब मैं अपियर हो रहा था, जब मैंने बैठा था, तो मैंने इसका ऑप्शन नंबर सी मारा है, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वन होगा, ठीक है। अगेन एक बार डायग्राम है यहाँ पर, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो ये आपको सॉल्व करना है और इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो फर्स्ट आंसर आएगा 2012 आएगा, ठीक है, 21 का। सेकेंड का 200 आएगा, ठीक है। और थर्ड का अगर आप देखेंगे तो थर्ड का अगर आपको यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा 165 आएगा, ठीक है, थर्ड का 165 आएगा। एंड फोर्थ का जो है वो 250 आएगा, फोर्थ का 250 आएगा फ्रेंड, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। जो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एरिया स्टेट एंड पॉपुलेशन, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, डी होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं अभी इसके साथ। तो इसके बाद पूछा है कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, आप सबको पता है, काफ़ी सिंपल था, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें पूछ दिया है कि आईटी एक्ट क्या है, तो आईटी एक्ट अगर आप सबने पढ़ रखा होगा तो वो 2000 आईटी एक्ट है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हमें पूछा है कि किसने सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया है, तो वो विजय भाटकर है, ठीक है। आगे बढ़ते हम, और यहाँ पर पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज मेड कंपलसरी फॉर स्कूल टू इंटर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट विथ वेब पोर्टल नोन एज, मतलब स्कूल स्टूडेंट को कौन से पोर्टल से आईटी की एजुकेशन दी जा रही है, कंप्यूटर की एजुकेशन दी जा रही है, तो वो है सरल ऐप, ठीक है। सरल का एक एप्लीकेशन है, वेब पोर्टल है, वहाँ से उनको एक ज्ञान दिया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन को इम्पार्ट करना है डिजिटल वे में स्टूडेंट्स के अंदर, तो कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज नॉट अंडर हाजर्डस, ऐसा कौन सा वेस्ट है जो हाजर्डस नहीं है, जो बहुत डेंजरस नहीं है ह्यूमन लाइफ और इन्वायरमेंट को, तो केमिकल है, पेंट है, और इलेक्ट्रो प्लेटिंग वेस्ट है, बट जो एग्रीकल्चर एसिड एग्रीकल्चर के बाद बच जाता है वो हालांकि नहीं होगा, जिसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर हम देखते हैं, पूछा है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992, कि बोल रहा है कि 1992 में जो यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर वो कहाँ पर हुई थी, तो उसका जो राइट आंसर होगा रायो जेनेरियो होगा, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। आगे हम देखते हैं क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल इश्यूज टिश्यूज ऑर्गेन एंड इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट, अगर कोई बायोमेडिकल है एग्जाम्पल इंजेक्शन है, अगर कोई मेडिसिन जैसा कुछ है जो काफ़ी हाजार्डस होता है ह्यूमन लाइफ और इन्वायरमेंट को, तो उसे डिकम्पोज कैसा करना है, तो उसका जो मेथड होता है वो इंसिनरेशन ऑलमोस्ट बोला जाता है, ठीक है। हम अगर आगे बात कर रहे हैं तो क्या है, लैंडस्लाइड हाजार्ड आर कॉमन इन हिली एरियाज रीजन, बोल रहा है हिली एरिया रीजन्स में लैंडस्लाइड क्यों आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए, लॉस ऑफ वेजिटेशन, लॉस ऑफ सॉइल एंड हिल स्लोप्स आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल एक बेसिक जीके का क्वेश्चन दिया गया था कि पूछ रहा है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुए थे उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो गुड़गांव में है, किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे जो हैगा क्या है, टू रिसीव द डिग्री वासु लर्नर वॉज एक्सपेक्टेड टू लर्न मिनिमम, अगर आपको वासु की डिग्री चाहिए, ये हालांकि हायर एजुकेशन से आया था आपके, तो आपको अपने गुरुकुल में कितने साल तक शिक्षा लेनी पड़ेगी, तो वो है 12 साल कम से कम, ठीक है फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम दैट डेज वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, क्या बोल रहा, आपको कम से कम कितने दिन काम करने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, किसके लिए, एज अ एक एक यू नो किसने ये रिकमेंड किया है, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने किया, तो वो कितना इसका आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स, 180 इसका आना चाहिए, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो क्या है, द मेन रोल ऑफ यूजीसी, यूजीसी का मेन काम क्या है फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आंसर में, हालांकि जो मैंने आंसर मारा था वो था
कंट्रोल यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट इसका जो राइट आंसर हो सकता है शायद यू नो प्रोवाइड फंड टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को फंडिंग देना, बिकॉज अभी जो यूजीसी का करती है एक यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उसकी बहुत सारी बॉडी है, एग्जाम्पल नैक वगैरह है, तो वो सब आ जाएंगे, बट इसका जो राइट आंसर शायद फंड हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टैब्लिश है, क्या बोल रहा है, जो एन ई आर आई जो ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर स्टैब्लिश है, तो वो फ्रेंड्स वो है नागपुर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है आगे। सुप्रीम कोर्ट वॉज डायरेक्टेड इन जजमेंट गिवन इन 1991 टू मेक दैट सब्जेक्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा जजमेंट दिया है कि वो करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल लाइफ के लिए, तो वो है इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए, हर एक स्कूल्स में इन्वायरमेंट की शिक्षा देनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था फ्रेंड्स। हम आगे बात करते हैं कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, आपने जो भी सीखा है उसको आप साइक्लिक प्रोसेस करते हैं, यू नो बार बार उसको रिवाइज करते हैं, यू नो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सी होना चाहिए। इसका 42 देखते हैं, टीचर शुड आइडेंटिफाई डेटेस एंड टीच अकॉर्डिंगली, टीचर को क्या देख के पढ़ाना चाहिए, तो उसको देखना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है, इसका जो आंसर होगा इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, स्वयं प्रभा डेटडेस्क चैनल डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम, स्वयं प्रभा के अंदर कितने चैनल्स है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 32 चैनल्स है। ठीक है, स्वयं प्रभा आपने सुना ही होगा, इवन टीवी पे आता है ये। हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि कौन सा इसके अंदर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो बी सी डी जो डी है वो तीनों के मॉडर्न है, बट जो व्हाइट बोर्ड है वो ट्रेडिशनल के अंदर आता है फ्रेंड्स, हालांकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट व्हाइट बोर्ड क्या आता है, ट्रेडिशनल में आता है। आगे बात कर लेते हैं, टीचर गोज थ्रू द स्टूडेंट्स नोटबुक एंड गिव रिमार्क, टीचर स्टूडेंट की बुक को चेक करता है और एक अपने कुछ भी रिमार्क्स, यू नो कुछ लाइक बुक कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, या फिर कुछ अगर और कुछ कंप्लीट करना है वो टीचर वहाँ बुक पे लिख देता है, उसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, नोटबुक चेकिंग कहते हैं उसे हम। ठीक है, आगे बात करते हैं सोक्रेट्स, अच्छा जो सोक्रेट जो वर्ड है फ्रेंड्स वो रिलेटेड होता है डायलॉजिक से। ठीक है, तो सोक्रेट्स जो आएगा उसका राइट आंसर होगा डायलॉजिक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम 47, इन्वायरमेंटल रिसर्च आर एम्ड टू, इन्वायरमेंटल रिसर्च क्यों किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ए होगा, स्टैब्लिश एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स के बीच में एक एसोसिएशन, एक रिलेशन बिठाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं फ्रेंड्स, लिमिटेशन लेड डाउन बाय रिसर्चर आर कॉल्ड एज, अगर कोई रिसर्चर को लगता है कुछ लिमिटेशन है, कोई प्रॉब्लम्स है रिसर्च के अंदर, तो वो प्रॉब्लम्स को या फिर वो कुछ अगर एज्यूम करता है कुछ रिसर्च को करने के लिए, उसे कहते हैं हम फ्रेंड्स डीलिमिटेशन, फ्रेंड क्या कहते हैं, डीलिमिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50th percentile एंड डेड डेस, क्या बोल रहा, अगर जहाँ पर कोई चीज़ों को हम 250th percentile में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो नॉर्मल हमें मीडियन में देखने मिलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मीडियन होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है आज के लिए फ्रेंड्स, द रिसर्चर यूज डेटा ऑफ एन अर्लियर रिसर्च पेपर एंड पब्लिश अ न्यू रिसर्च पेपर, कोई कोई रिसर्च जो रिसर्चर है वो पुरानी जो रिसर्च के पेपर को वो रेफर करता है और कुछ नया रिसर्च बनाता है, तो फ्रेंड्स ये जो केस हो सकता है ये प्लेगरिज्म का भी हो सकता है, प्लस ये अलाउड भी है, एथिकल भी कहने के परमिसेबल भी है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स तीनों आ सकता है, एथिकल भी है, अनएथिकल भी है, आज परमिसेबल भी है, परमिसेबल भी है, बट इसका मेरे हिसाब से जो आ सकता है वो शायद अनएथिकल होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली क्वेश्चन ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं होगा, तो फ्रेंड्स इसका आपको हम यू नो हमें फाइनल आंसर की का वेट करना है, तब तक हम कुछ भी राइट यू नो पोजीशन पे रह के कुछ कमेंट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो अगर आपने वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज नेट के रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है या फिर कैसे क्या पढ़ना है हम यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।